ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था, सात नौ और सत्तर, पहले पेज के मध्याध्य में बात चल रही थी भगवान ने पढ़ाया तो भगवान भगवती बनाया, क्योंकि ये नियम है डॉक्टर डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियर इंजीनियर बनावेगा, वकील वकील बनावेगा। तो देवी देवता किसने बनाया? क्योंकि देवी देवताएं होते हैं सतयुग में, उनको कहा जाता है डिटीज्म। और इन देवताओं का राज्य यहाँ भारत में ही था, उस समय और कोई का राज्य नहीं था। चौरासी जन्म लिए हैं देवताओं ने, वो ही देवता तो क्षत्रिय बने। पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप देश काल बदलते गए और 84 जन्म पूरे किए। 84 जन्म के शरीर भी अलग अलग और उन शरीरों के नाम भी अलग अलग। क्योंकि जो भी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, उनके शरीरों पर ही नाम पड़ता है। एक सुप्रीम सोल है जिसका अपना शरीर नहीं है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, उनकी आत्मा का ही नाम बिंदी है, जिसे कहते हैं शिव। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, न शास्त्रों में ये बातें हैं। और जो बेहद का बाप है वो भी कब शास्त्र हाथ में नहीं उठाते हैं। बेहद के बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को जानने वाला है। वो आत्मा द्वापर के आदि में भी आती है, तो व्यास के नाम रूप से प्रसिद्ध होती है। उस व्यास के लिए भी शास्त्रों की कथाओं में ये प्रसिद्ध है कि उन्होंने कोई शास्त्र पढ़े नहीं थे, लिखे भी नहीं थे। बताया है कि व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे।
तो ये आत्माओं का बाप वेद का बाप भी कहते हैं। मैं कब शास्त्र लिखता भी नहीं हूँ और पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं हाथ में शास्त्र उठाता ही नहीं हूँ। शूटिंग पीरियड में मैं उठाते होंगे नहीं उठाते, फिर ये मुरलियां हाथ में कौन लेता है, है? पढ़ने वाली आत्मा है जिसके लिए सारी पढ़ाई है। पहला पहला शशि का पत्ता है, अगर उसी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो कोई पत्ते की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। बाप बैठ खास उस बच्चे को नॉलेज देते हैं। जिसका नाम शास्त्रों में भी कृष्ण प्रसिद्ध होता है, कहते हैं कि कृष्ण विष्णु का अवतार है, विष्णु को पालना करने वाला कहते हैं, तो पालन पोषण करने वाले भरण पोषण करने वाले का नाम भरत पड़ा। जिससे भारत का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ, मनुष्य तो नहीं जानते हैं। यहाँ तो बाप बैठे नॉलेज देते हैं। अपना भी नॉलेज देते हैं और शशि चक्र के आदि मध्यंत का भी नॉलेज देते हैं, बताते हैं कि तुमने 84 जन्म कैसे कैसे लिए, और तो कोई नहीं जानता कि मनुष्य 84 जन्म कैसे भोगते हैं। वो भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। अब मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगी तो उसका हिसाब किताब कौन बतावेगा? बाप समझाते हैं कि तुम तो जास्ती से जास्ती 84 जन्म ही लेते हो, उसमें भी पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, बाद में सतो से सतो सामान्य रजो और तमो में आए, अभी फिर तमो से सतो प्रधान बनना पड़े। ये षष्ठी चक्र फिरता ही रहता है, पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जहां से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र शुरू होता है। इनको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट,
तो बाप कहते हैं अभी फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य रिपीट होगा और तुम बच्चे ही आए हो, ये लक्ष्मी नारायण का राज भाग लेने के लिए। अभी तुम उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषोत्तम संगम युग पर आए हो, तो उत्तम पुरुष बनने के लिए उत्तम दैवी गुण भी धारण करने पड़े। तुम प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करते हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए, और जो इनकी महिमा करते हैं, गायन करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो कलयुगी मनुष्य हैं। तुम कोई इनकी पूजा नहीं करते हो, गायन नहीं करते हो, महिमा नहीं करते हो, क्या करते हो? तुम तो ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो। तो ये बातें तुमको बैठ कौन समझाते हैं? कहेंगे वृक्षपति, ये मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है, उसका पति कहो, बाप कहो, बीज कहो, एक ही बेहद का बाप है जिसमें आत्माओं का बाप प्रवेश करते हैं, फिर उनको सदगुरु कहा जाता है। किनको? निराकार ज्योति बिंदु शिव को, साकार प्रजापिता ब्रह्मा को, अगर दोनों को अलग अलग करें तो कोई भी सदगुरु नहीं है दोनों में से। निराकार इसलिए नहीं है कि सदगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है, मूर्त माने साकार, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल तो साकार में होगा ना। तो निराकार ज्योति बिंदु सेवक का ये टाइटल नहीं है सदगुरु। वो तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है, कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके सदगुरु बनता है। उन भक्ति मार्ग वालों ने तो चित्र बनाए दिए हैं, 32 गुणों वाला शिव का चित्र बनाए दिए। अब वो गुण कोई ज्योति बिंदु के गुण थोड़े ही होते हैं, वो जब तक साकार न बने तब तक उसके कोई भी गुण प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। वो सदगुरु बाप आकर के सृष्टि को सचखंड बनाते हैं। पहले सचखंड था, अभी झूठ खंड हो गया है।
क्योंकि झूठे और पतित संस्कार हो गए थे। नई दुनिया को पावन संस्कारों वाला कहा जाता है। अभी पतित पुरानी दुनिया है तो संस्कार भी पुराने हैं। तो फिर पुराने संस्कारों को, पुरानी चाल को, पुराने रीति रस्म रिवाज को पावन कैसे बनाया जाए? क्योंकि भारत पतित है खास और दुनिया पतित है आम। तो जरूर सभी पतित धर्म खंडों का विनाश करना पड़े। जो भी धर्म के नाम पर अधर्म फैले हुए हैं उनका खंडन करना पड़े। और सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण का मंडन करना पड़े। बाद में तो फिर वो भी नीचे उतरते उठते थे संपूर्ण अधिकारी बन जाते। गाते भी हैं हम, पापी हैं, नीचे हैं और जन्म जन्म के पापी हैं और ये वर्णन किसके आगे करते? समझते हैं हम भगवान के आगे ये वर्णन करते हैं। अब भगवान तो एक ही निराकार है, वो सभी आत्माओं का बाप है, वो तो एवर पूज्य है। जो एवर पूज्य है वो ही फिर अंतिम जन्म में क्या बन जाते हैं? है एवर पुजारी बन जाते हैं। आत्माएं परमपिता परमात्मा की पूजा करती हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में उनको शिव बाबा कहा जाता है। जानते नहीं है कि इसको शिव बाबा कैसे कहा जाता है। शिव है बिंदु का नाम और बाबा है साकार। बिंदु तो अति सूक्ष्म है जैसे आत्मा सूक्ष्म है, और जो लिंग रूप बड़ा रूप है वो साकार की यादगार है। जिस साकार ने पुरुषार्थ करके ऐसी निराकारी स्टेज धारण की जैसे कि हाथ होते हुए हाथ है ही नहीं, पांव होते हुए पांव है ही नहीं, कान होते हुए कान है ही नहीं, नहीं तो मनुष्य के सामने थोड़ी सी ग्लानी की जाती है तो वो ग्लानी को सहन नहीं कर पाता है।
और दुनिया में सबसे जास्ती ग्लानी किसकी की जाती है? भगवान बाप की। वो कानों से सुनता है, ग्लानी को आंखों से पढ़ता भी है। परंतु फिर भी जैसे आंखें होते हुए आंखें नहीं है, कान होते हुए कान नहीं है, बुरुआनी बाप है। और सभी रूहों का बाप है, रूहानी स्टेज वाला, और सब का एक बाप। सब कहते भी हम भाई भाई हैं। अंग्रेजी में ब्रदरहुड कहा जाता है, जरूर फादर एक चाहिए। फादर उसे कहा जाता है जिससे वर्षा मिलता है, जन्म मिलता है। तो ये भी बेहद का बाप है जो आत्माओं को आकर के प्रत्यक्ष स्वरूपी जन्म देते हैं। हर आत्मा को पता चलता है कि सत्य रूपी रंगमंच पर मेरा विशेष पार्ट क्या है, मैं कौन सी विशेष पार्टधारी आत्मा हूँ। तो जैसे कि आत्मा को जन्म मिलता है, नहीं तो आत्मा तो जन्म मरण के चक्र से न्यारी है, परंतु बाप आकर के आत्मा का परिचय देते हैं। तो आत्मा को अपने स्वरूप का परिचय का पता चलता है। जैसे कि बाप के बच्चों का जन्म होता है, अभी बाप स्वर की स्थापना कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में रहने वाले बच्चे ही स्वर्ग में रहेंगे और जावेंगे। तुमको तो बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। ये तुम्हारा वर्षा है, स्वर्ग की बात कही तो वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगति भी करते हैं तो सदगुरु भी है। सिर्फ तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा की ही सदगति नहीं करते हैं, आत्मा में अच्छे अच्छे संस्कार भरते हैं, श्रेष्ठ संकल्प आते हैं, आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है, अथवा तो कर्म और विकर्म से परे की स्टेज को प्राप्त हो जाती है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाप टीचर भी है, आत्मा और शरीर दोनों की सदगति करने वाला सदगुरु है। मनुष्य तो कब ऐसे हो ही नहीं सकते जो आत्मा की भी सदगति करें और
शरीर की भी सदगति करे। बाप और गुरु एक को कब कोई कह नहीं सकता। कोई भी देहधारी बाप गुरु टीचर हो ही नहीं सकता, वो विदेही जो सभी का बाप है वो ही बाप टीचर सदगुरु है। मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाई रहे हैं और देवता बनते ही हैं पवित्र। पवित्रता को धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। पवित्र बनाने के लिए ही सारी पढ़ाई समझाते हैं। आधा कल्प तुम सतो प्रधान अभी तमो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। पहले होते हैं सतो प्रधान फिर बनते हैं तमो प्रधान। अभी सभी बातें ये बुद्धि में रखनी है। ब्राह्मण वर्ण में भी कहेंगे पहले पहले सतो प्रधान बाद में तमो प्रधान। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, ब्रह्मा का पाठ अगर सुनने सुनाने वाला है तो ब्राह्मण भी कैसे होंगे, सुनने और सुनाने वाले होंगे। दोनों ही पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान बनते। ब्रह्मा अगर मनन चिंतन मंथन करने वाला है, मन बुद्धि का विकास करने वाला है, जिसका नाम शास्त्र में पड़ता है मनु, तो मनुष्य की बनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं। वो भी संगम युग की बात है। वो मनन चिंतन मंथन करने वाला ब्रह्मा भी मनन चिंतन मंथन करने वाले ब्राह्मणों की पैदाइश करता है। उसके लिए भी कहेंगे पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान। फिर प्रैक्टिकल कर्म करने वाला और कराने वाला ब्रह्मा भी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण संपूर्ण कैसे बनेंगे। संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता कहा जाता है। तो ब्रह्मा भी ऐसे प्रैक्टिकल कर्म करने वाला पवित्र ब्रह्मा चाहिए, जो प्योरिटी के आधार पर प्रैक्टिकल कर्मों में सुधार लावे। उसके लिए भी कहेंगे पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान और तमो प्रधान के बाद फिर सतो प्रधान। अभी ये सभी बातें बुद्धि में रखनी चाहिए। पुनर्जन्म लेकर के त्रेता में आते हैं तो सतो सामान्य बने, फिर 21 जन्म पूरे करके रजो में आते हैं फिर तमो बनते हैं।
बाप कहते हैं ये सीढ़ी भी श्रीमत पर बनाई गई है, ये चित्र श्रीमत पर बने हैं। बाप कहते हैं कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में प्रवेश करता हूँ, इनका ये बेहद का सन्यास है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, जब ये बात बुद्धि में बैठ जाती है तो तुम इस पुरानी दुनिया के पदार्थों का, पुरानी दुनिया के संबंधों का, संपर्कियों और संसर्गियों का, पुरानी दुनिया की इस देह का भी त्याग कर देते हो। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठी है पक्की, इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो त्याग भी नहीं कर पाते हो। इसलिए बाप कहते हैं आप मुए तो मर गई दुनिया, अभी तुम अपन को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, सभी देहधारी देह सहित विनाश हो जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्यात्मा बन करके मेरे पास आ जाएंगे। 7, 9, 8 रात की क्लास का बचा हुआ हिस्सा है। बाप आकर के तुमको नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। नास्तिक उन्हें कहा जाता है जो बाप को नहीं जानते। भक्ति मार्ग में भगवान बाप को याद तो सब करते हैं, परंतु यथार्थ रूप में जानते तो कोई भी नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान बाप तो आता ही नहीं। भगवान तो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, और जब बाप आते हैं तो बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। तो बाप के आने पर पुरुषोत्तम संगम युग में तुम आस्तिक बनते हो। जब तुम्हें बाप की पहचान मिलती है तब तुम्हारी आस्था पक्की होती है, नहीं तो ये सारी दुनिया नास्तिकों की है। भगवान के ज्ञान से ही सदगति होती है, भक्ति से दुर्गति होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति दे करके जाता हूं, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे होती है? तुम्हारी आत्मा की भी सदगति करके जाता हूं। 5 तत्वों से बने हुए तुम्हारे शरीर, जो तमो प्रधान शरीर है, रोगी शरीर है, उसको भी निरोगी बना करके जाता हूं। फिर आत्मा और शरीर दोनों की दुर्गति कैसे होती है? कैसे होती है? चलो सर समझे,
अनेक जन्म लेते लेते इंद्रियों के सुख भोगते भोगते शरीर के सुख भोगते भोगते अनेकों का संग तारंग लेते लेते आत्मा और शरीर की दुर्गति होती है। अभी सदगति करने के लिए क्या करें है? एक बाप को याद करें, बाप का ही बुद्धि से संग करें और देह के सुखों में आसक्त नहीं होना है। आसक्ति से सुख भोगेंगे तो लगाव जरूर लग जाएगा। देह के सुख, इंद्रियों के सुख, अतिंद्रिय सुख की स्टेज में नहीं ले जाने देते। इसलिए इन सुखों में मन बुद्धि को रमण नहीं कराना है। ये बातें आत्माओं को समझाते हैं, देह अभिमानी इन बातों को नहीं समझेंगे और आत्मा ही इन बातों को बैठ सुनती है। नहीं तो मनुष्य कह देते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं समझते हैं। जो एक से बैठ करके सुने, बाप समझाते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं न मैं सब में बैठ करके गुरु या सदगुरु बन करके समझाता हूं, न मैं सबका सर्वव्यापी हो करके गुरु बनता हूं। मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, लेकिन ये पांच विकार सर्वव्यापी हैं। इन पांच विकारों से पाप बनता है। पांच विकारों का मूल है देह अभिमान। जहां देह अभिमान होता है वहां पांच विकारों की उत्पत्ति जरूर होती है। मेरे में पांच विकार नहीं है, मैं तो सदैव निराकारी हूं। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी हूं। मनुष्य तो सात विकारी है। उनकी 10 इंद्रियां, 9 इंद्रियां विकारी ही होती है। 11वीं इंद्रिय मन भी विकारी है। व्यर्थ का चिंतन करता रहता है। विमाने विपरीत, कार माने कार्य, मन का काम है मनन चिंतन मंथन करना, परंतु श्रीमत के बरखिलाफ मनन चिंतन मंथन करते हैं तो विपरीत कार्य हो जाता है मन का। और जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया में, वो सब विकारी हैं, विकारी मन वाले हैं। मनन चिंतन मंथन ही विकृत है।
जब तुम पक्के ब्राह्मण बन जावेंगे तो तुम्हारा मनन चिंतन मंथन भी निर्विकारी होगा। निर्विकारी अर्थात निसंकल्प, निसंकल्प अर्थात सदैव ज्योति बिंदु। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, और कोई चिंतन नहीं, फुल स्टॉप। न अच्छे का चिंतन करेंगे और न बुरे का चिंतन करेंगे। वो निराकारी सेज में जो आनंद आता है, जो मस्ती रहती है, टाइम का ही पता नहीं लगता। ऐसी स्टेज में बैठे हुए हमको कितना टाइम हो गया, जैसे कि परमधाम में बैठे हैं। परमधाम में टाइम होता है, समय की कोई गति नहीं होती। जैसे कि आदमी सो जाता है, सुसुप्ति में चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता कितनी देर सोया। टाइम का पता चलता है क्या? घड़ी देखेगा तो पता चलेगा। दिन और रात का माहौल देखेगा तो पता चलेगा। तो मनुष्य मन वाले को कहा जाता है। भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है, है? भगवान सोचता है या सोचता है? असोचता है, उसको कुछ भी सोच विचार करने की दरकार नहीं है, वो तो त्रिकालदर्शी है। तो भगवान जो है, जैसा है और जिस रूप में पार्ट बजाता है, वैसा ही हम बच्चों को बनाने के लिए आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जो बाप के 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वो ही ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जो बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जावेंगे। जैसे बाप में 5 विकार नहीं है, वैसे देवताओं में भी 5 विकार नहीं होते। तो देवताओं को मन होता है या नहीं होता है? मन चलायमान होता है या नहीं होता है? मन होता तो है, परंतु मन जो है वो सिर्फ आत्मिक स्थिति वाला होता है। अपने को भी आत्मिक रूप में देखेंगे और सामने वाले को भी आत्मा के रूप में देखने के आदि हो जाते हैं। ये आदत कहाँ डाली जाती है? संगम युग में ये आदत परमात्मा बाप आकर के डालते हैं। जिनमें विकार है उनको आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। खान पान चलन सब देवताओं जैसी बिल्कुल न्यारी। उनको कहा जाता है देवता। तो बच्चों को
खान पान चलन रहन सहन की धारणा बहुत अच्छी रखनी चाहिए और इन बातों में अंतर्मुखता बहुत अच्छी चाहिए। सदैव शांत में रहना है। मुख से कुछ न बोलना अच्छा है, हाँ पहले तो जरूर समझाना पड़ता है। मुख से ही समझाएंगे फिर बस एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, बस शांत हो जाना चाहिए। बाप और वर्षे की ही याद रखनी है। बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं तो हमें दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। ये भी एक दैवी गुण है। क्या? कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो खान पान की धारणाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। देवताएं कोई बीड़ी थोड़े ही पीते हैं। देवताएं कोई नशा करते हैं क्या? इस पुरानी दुनिया में मनुष्य नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं। इसलिए पीते हैं है? गमगीन रहते हैं, उस गम को गलत करने के लिए, उस गम को शून्य करने के लिए नशा करते हैं। अल्पकाल के लिए मस्ती आ जाती है, बाकी सदाकाल के लिए गम गलत थोड़ा ही होता है, गम समाप्त थोड़ा ही हो जाता है। देवताएं तो सदैव ही बेगमपुर के बादशाह हैं, उनको कोई भी प्रकार का गम होता ही नहीं। तो उनको बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीने की दरकार ही नहीं। कोई कहते हैं क्या करें, नहीं पीने से हमारे पेट में दर्द हो जाता है, चाय नहीं पिएंगे सर दर्द हो जाएगा। फिर अगर ऐसे ही दर्द पड़ता रहा और अंत तक पीते रहे और दुनिया खलास होने पर आ गई तो क्या होगा? अंत मते सो गति, कहाँ जन्म लेंगे? वो ही गमगीन दुनिया में द्वापर कलयुग में जाके जन्म मिलेगा। 84 जन्म लेने वाले देवता नहीं बन सकेंगे, कितना घाटा पड़ जाएगा। जन्म जन्मांतर का पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं जो बीड़ी सिगरेट ही नहीं छोड़ सकते तो विकारों को क्या छोड़ेंगे? आदत पड़ जाती है, विकार में जाने की भी आदत कितनी खराब है। कितने जन्मों की आदत है? 63 जन्मों की आदत है। बहुत गंद है, इसलिए इस दुनिया को कहा जाता है वैश्यालय। क्योंकि विकार में जाते हैं।
शिवालय में तो विकार होते ही नहीं, इसलिए बाबा ने पर्चे छपवाए थे, उन पर्चों में प्रश्न डलवाए थे, कलयुगी वैश्यालय के वासी हो या सतयुगी शिवालय के वासी हो, दिन प्रतिदिन अच्छी समझाने की युक्तियां निकालती जाती हैं। परंतु देखो, देखा जाता है बंदरों को रतन दो तो भी फेंक देंगे। जो बंदर थे उनको बाप मंदिर लायक बनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में फिर देखो क्या क्या बातें लिख दी है कि भगवान ने बंदरों की सेना ली और रावण ने मनुष्यों की सेना ली। अरे ये क्या बात हुई, भगवान को मनुष्य नहीं मिले हैं? भगवान जो ऊंचते ऊंचे है उसको मनुष्य नहीं मिले। झूठी बात है या सच्ची बात है? झूठी बात है। सच्ची बात है कि भगवान को मनुष्य नहीं मिले, इसलिए कहते हैं मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। मंदिर लायक राधा कृष्ण जैसे फूल आत्माएं नहीं मिली, बच्चा बुद्धि आत्माएं नहीं मिली, तो किससे दोस्ती कर ली है? दुखदाई कांटों से दोस्ती कर ली। नहीं तो मम्मा बाबा के जीवन में कोई ने देखा कि उन्होंने कब किसी को दुख दिया? ब्रह्मा सरस्वती के जीवन में कोई ने नहीं देखा होगा, अनुभव किया होगा कि उन्होंने कोई को दुख दिया हो। तो देखो, भगवान भगवान के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो उसको देव आत्माएं नहीं मिलती। देवताएं जो बुद्धू होते हैं, बच्चा बुद्धि होते हैं, ऐसी महात्मा आत्माएं नहीं मिलती है। कैसी चिकड़मी बुद्धि वाली मिलती है? मन कैसा होता है? बंदर मिसल। घड़ी में इधर देखेंगे, आंखों में चंचलता जैसे कि जाती ही नहीं। फिर कहते हैं भगवान ने बंदरों के द्वारा पुल बांधी। क्या काहे का पुल बांधा? कहते हैं पत्थरों का पुल बांधा। अब पत्थर बुद्धि अहिल्या गाते हैं, देवताओं को शास्त्रों में पेड़ के रूप में दिखाई दिए हैं, पत्थर के रूप में दिखाई दिए हैं। वास्तव में लक्कड़ और पत्थर की बात नहीं है, लक्कड़ बुद्धि और पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों का
फिर ये काम होता है, क्या काम होता है, है? कि भगवान बाप को पहचान भी लेते हैं एक बार, और पहचान करके फिर त्याग भी देते हैं और दूसरी पार्टी में जाके मिल जाते हैं, राम संप्रदाय को छोड़कर रावण संप्रदाय में चले जाते हैं। और जो भगवान से ज्ञान रतन मिलते हैं वो रतन वहां ट्रांसफर करते रहते हैं। तो कह दिया पत्थर बुद्धियों ने पुल बांधा। वास्तव में एडवांस का सारा ज्ञान विकृत रूप में रावण संप्रदाय की ओर पहुंचाया जाता है। ये पुल तैयार हो जाता है। कहते हैं दो बंदर थे, कौन कौन, नल और नील। नील शब्द जो है वो विषय विकारों का सूचक है। जो विष का रंग होता है या तो काला होता है या नीला होता है या हरा होता है, तो बंदर का नाम दिया नील और दूसरे बंदर का नाम दिया नल। नल में से क्या निकलता है, है? पानी निकलता है। तो दो बंदरों से जो भी पत्थर तैराए गए संसार रूपी विषय सागर में, वो कितने भी भारी बुद्धि वाले पत्थर थे, मन बुद्धि कितनी भी भारी थी, फिर जब उनके हाथ से, बुद्ध रूपी हाथ से वो पत्थर संसार सागर में तैराए गए तो वो बहुत हल्के हो गए। आत्मिक स्थिति में कैसे हो जाते हैं, बहुत हल्कापन आ जाता है। फिर कहते हैं उन पत्थरों से पुल बांधा गया। ये क्या, बंदरों की सेना ली, पत्थरों का पुल बांधा। अरे सच्चा सच्चा पुल तो अभी तुम बांधते हो, क्या कैसे, माया तुमको राम संप्रदाय से उखाड़ करके रावण संप्रदाय बनाती है या नहीं बनाती है, है? बाप को भुलाई देती है या नहीं भुलाई देती है, भुला देती है। जब बाप को भूलते हो तो कहेंगे रावण संप्रदाय, बाप को पहचानते हो तो कहेंगे राम संप्रदाय। ये रस्ता कसी चलती रहती है। बाकी कोई जानवर बंदरों की बात नहीं है, बाप कहते हैं ये सारी दुनिया बेहद की लंका है, बेट है, द्वीप है, जो समंदर से सागर के पानी से घिरा हुआ है। अच्छा बच्चों को गुड नाइट।